आईसीसी रैंकिंग में मोहम्मद रिजवान को पछाड़कर टी20 में सूर्य कुमार यादव बने दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज। अगर गाइस आप भी सूर्य कुमार यादव को बहुत बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में 3 T20 मैचों की सीरीज का आगाज हुआ, लेकिन इसके बाद आईसीसी रैंकिंग आ गई, जबकि सूर्य कुमार यादव ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में 50 रन लगाए तो वही दूसरे T20 मुकाबले में 4 अक्टूबर वाले दिन 61 रन लगा दिए। और इसी के साथ सूर्य कुमार यादव 4 अक्टूबर वाले दिन मोहम्मद रिजवान को पछाड़कर दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज बन गए। लेकिन दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने तीसरे T20 मुकाबले में 8 रन ही लगाए और दूसरी ओर मोहम्मद रिजवान ने इंग्लैंड के खिलाफ 5वें T20 मुकाबले में 63 रन लगाए। अगर सूर्य कुमार यादव तीसरे T20 मुकाबले में एक और 50 ठोक देते तो मोहम्मद रिजवान को पछाड़कर सूर्य कुमार यादव दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज बन जाते, जबकि मोहम्मद रिजवान आईसीसी रैंकिंग में 854 रेटिंग के अंक पर मौजूद हैं, तो वहीं सूर्य कुमार यादव 838 पॉइंट के साथ आईसीसी रैंकिंग में मौजूद हैं। अगर सूर्य कुमार यादव टी20 वर्ल्ड कप 2022 के पहले मुकाबले में ही 50 ठोक देते हैं तो मोहम्मद रिजवान को पछाड़ सकते हैं। वैसे गाइस आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना क्या सूर्य कुमार यादव दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज बन पाएंगे या फिर नहीं।